मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं अकेले, तो उनको बार बार ऑफिस छोड़ के आना पड़ता है। और मैं हल्का फुल्का बीमार रहती हूँ तो मैं किसी को भी परेशान नहीं करती हूँ, बट आप मेरा चेहरा देख के समझ सकते हो, पूरा सूज गया है चेहरा जो है। और सूजा भी किस लिए, क्योंकि कंटिन्यू मतलब मुझे फीवर हो रहा है और कंटिन्यू साथ में मतलब सिर दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि मतलब बुखार से ही मतलब सिर दर्द हो रहा है, और साथ में मेरा लूज मोशन भी है और पेट भी बीच बीच में दर्द हो रहा है, गैस भी बन जा रहा है। मतलब मैं जब बीमार नहीं पड़ती हूँ ना तो बिल्कुल ठीक रहती हूँ, और जब बीमार पड़ती हूँ ना तो एक साथ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है मेरा। और अभी भी अभी 1 बज गए, करीब 11 बजे भी रुक गए थे ऑफिस, तो उन्होंने मेरे लिए फ्रूट काट दिया था। मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाया है, बट खाने का मन इतना नहीं कर रहा है क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। होता है ना कि तबीयत ख़राब हो तो मुंह का जो टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो कल मुझे परसों कल नहीं कल कल मैं फिर से हॉस्पिटल गई थी, हालांकि मैं ठीक हो गई थी, सबको मैंने बोला ठीक हूँ, बट फिर से मेरा वापस से फीवर आ गया। और अभी भी मैं बोल रही हूँ ना तो मेरे सिर पे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है फट जाएगा, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। एंड ड्रिप यहाँ पे लगी थी मुझे, दो दो बड़ा बोतल पानी चढ़ा और दो छोटा वाला मतलब जो ग्लूकोज होता है, तो मैं मना ही कर रही थी पानी चढ़ाने के लिए डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोल रहे थे आपका बीपी जो है ना बहुत ज़्यादा लो हो गया है, इस कारण से आपको पानी चढ़ानी पड़ेगी। तो मैं मना कर रही थी, मैं बोल रही थी इंजेक्शन दे दो, मैं कमज़ोरी मुझे होगा ना तो मैं कुछ मतलब मैनेज कर लूँगी, बट जो ये सिर दर्द होता है ना वो मेरे से मैनेज नहीं होता है। बुखार भी था मुझे, 1 दिन तक बुखार था, तभी भी मैंने इनको नहीं बताया था कि मुझे बुखार है। और जब सिर मुझे सुबह में दर्द हुआ ना तब मैंने बोला बुखार। और हम लोग दिन में गए, संडे का दिन में, संडे ही था शायद, आज मंडे, हाँ कल नहीं परसों गए थे, शनिवार के दिन हम लोग गलत टाइम पे हॉस्पिटल चले गए। उस टाइम में क्या हुआ, डॉक्टर थे भी नहीं, फिर वापस घूर के आना पड़ा। कल फिर से गई, फिर से इंजेक्शन लिया मैंने, और अभी थोड़ा ठीक हूँ मैं। मतलब फीवर सुबह था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, और अब मुझे थोड़ा सा भूख जैसा महसूस हो रहा है, बट मैं फ्रूट बहुत ज़्यादा खा चुकी हूँ, मतलब मीठा चीज़ से मुझे इतना वो नहीं है तो मैं अभी खा नहीं पा रही हूँ। बाकी अगर बीरू आते हैं तो मैं कुछ बोलूँगी बना देने के लिए, या तो मैं खुद बोलूँगी बना लेती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा ठीक है, वैसे भी नहीं है कि पूरा, पर यही है ना कि ज़्यादा वीकनेस होने से कुछ भी खाना वाना बना नहीं पाते हैं, तो अभी मेरा यही हाल है। और घर का हाल जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मुझे दिखाने में भी बहुत अजीब लग रहा है। और अभी मैं जैसे ही बीरू ऑफिस गए थे तो मैंने उधर में बहुत सारा चप्पल का कीचड़ हो गया था, टाइल्स वाला घर में ऐसे ही होता है, तो मैंने उसको पूरा अच्छे से जो कपड़ा था ना उससे सफाई की थी। तो अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरा जो आँख है ना उसमें डायरेक्ट लाइट आ रहा है ना, तो इस कारण से फिर से दर्द ना होने लगे। तो बस इतना ही बताना था मुझे कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, और सच में ही ठीक नहीं है। अब मैं कब ठीक होऊंगी पता नहीं, तो बस मिलते हैं आप लोगों से और ब्लॉगर।